तो ये बात है। है तो मेरी भतीजी, लेकिन ऐसी कि बाप को पट्टी पढ़ाई तो बाप पागल, मंगेतर जिसे कभी कूड़ेदान में डालती है फिर कूड़ेदान से निकालती, वो भी जी जी करता पीछे पीछे भागता। मैंने देख ली थी उसकी ये खूबी, इसीलिए अहमद सर आपके पास भेजा। नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा था, हालांकि मैं यही जानती थी एक खूबसूरत लड़की जब इनविटेशन देने जाएगी सर के बल आएंगे। इसका मतलब है अभी भी तुम्हारे दिल में कसक है। साज ने तुमने ये बात उस दिन भी कही थी, और मैं जब से सोच रही हूँ पता नहीं क्या मुझे यूँ लगता है जैसे कि मैं दिल ही दिल में चाहती थी कि कोई अहमद दरिया को हरा है, उसे ना कुछ नहीं चाहूँगा। अपने टाइम पर तुम बड़े सीधे साधे थे, और मैंने तो किसी को ये भी नहीं बताया था कि हमारे साथ लड़के पढ़ते। हालांकि मैंने ये जरूर सोचा था उसने जैसी पटाखा लड़की अहमद रियाब के झांसे में नहीं आ सकती, मगर वो बेवकूफ लड़की भी उसके जाल में आ गई। तो हुस्ता को नहीं जानती, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत तेज लड़की हूँ। मैं भी यही समझती थी, आजकल की लड़कियां ये आसानी से बेवकूफ नहीं बन सकती, और अहमद सरिया भी अच्छी खासी उम्र का हो चुका है, मगर वो तो आज भी वो लड़कियों को अपना फैन बना देते हैं। हाय, यही खूबी थी इस, और अब तो इस खूबी में नसीब निखार रहा था। साजदा मेरे दिल पर बहुत बोझ है। तुमने हुस्ना का फेसबुक लाइव देखा? हाँ। तो ढके छुपे क्या, वो तो खुलम खुला ऐलान करती फिर रही है कि अहमद जरियाब के साथ उसका ताल्लुक है। कैसे उसे अहमद जरियाब के हाथों बेवकूफ बनने से रोका जाए, क्या करें? ये बात तो तय है कि तुमसे नादानिस्तगी में गलती हुई। ये दोनों लड़कियां बहुत तेज हैं, ये हमारी बात नहीं मानेगी, कोई और तरीका सोचो। सच बोलने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। मैं उनसे सब सच कह दूंगी, माजी की हर बात बता दूंगी कि हमें भी शायरी का शोहरत का झांसा दिया था।